हेलो एवरीवन आई एम रिद्रोन वाचिंग स्काई इज द लिमिट सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफलाइन में होगा ऐसा ही एक यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला जा रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी कब बोला गया है सब कुछ आपको बताऊंगा उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट जो सेमिस्टर है वो किस मोड पर होगा कब होगा क्या होगा ये कब तक अनाउंस कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा इस वीडियो में तो वीडियो कौन तक देखना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर कोई भी एडुकेशन अपडेट्स आपका मिस ना हो तो चलिए अब मेन वीडियो में चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है ये अपडेट द टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है यहाँ पे क्या बोला जा रहा for तो है डी यू एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डी यू टू हैव ऑड इवेंट फॉर्मूला फॉर ओपन बुक एंड ऑफलाइन एग्जाम तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है बहुत ही ध्यान से सुनिए ये जो अपडेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड किया गया इसका मतलब इंडिया का कोई भी और यूनिवर्सिटी उसको फॉलो नहीं करेंगे या फिर वो करने के लिए कोई नहीं सोचेंगे ऐसा नहीं है बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है जो यूनिवर्सिटी है उनका अदर यूनिवर्सिटीज पे तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया गया है मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूं तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए

मे एग्जामिनेशन विल बी कॉन्डक्टेड इन फिजिकल मोड तो मे में जो आपके examination उनका even semester actually, वो आपका एग्जामिनेशन है किस मोड पे, पे होगा तो देखिए डी में में यू, यू आपको वो ले रहे हैं फिजिकल मोड पे तो वेस्ट बंगाल में जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपका जून महीने में होने का चांस मैक्सिमम है मैकआउट तो ऑलरेडी बोल चुके हैं उनका जो एग्जामिनेशन है जून बीस से आपका जून तीस तक आपका होगा तो मैक्सिमम जो वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन होंगे यूनिवर्सिटी वो आपका जून में ही होगा और हो सकता है जुलाई में हो तो जून जुलाई करके ही होगा जहां पे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही बड़ा आपका यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हैं कि मे का एग्जामिनेशन फिजिकल मोड पर होगा तो मैक्सिमम चांस ये भी है कि वेस्ट बंगाल या फिर अदर जो स्टेट्स हैं वो भी ये डिसाइड करे कि मे के बाद जून में या फिर जुलाई में जब एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन में हो अब देखिए सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है जो आपका बी वायरस है ओमिक्रॉन का जो सेकेंड फेज है मतलब डेल्टा क्रॉन डेल्टा एंड ओमिक्रॉन का मिक्स होकर एक न्यू वेरियंट तैयार हुआ है वो बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है एंड ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा आपका ये इन्फेक्श है ये भी हु के तरफ से बोला गया है तो वो अगर बहुत ही तेजी से फैल रहा है तो उस के लिए हो सकते सिचुएशन कुछ और आए अभी के लिए जो सिचुएशन है अभी सोच रहे हैं सब कोई कि आपका जो ऑर्ड सेमिस्टर का एग्जामिनेशन होगा देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लैरिफाइज ऑर्ड सेटेड इन ओ बी मोड जो कि हम लोगों का भी हुआ है वेस्ट बंगाल में आपको पता है एंड जो नेक्स्ट सेमिस्टर है इवन सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ सिक्स ये आपका फिजिकल मोड पे होगा ये यह यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसको ही फॉलो कर सकते हैं हाँ सिचुएशन अलग आ गया तो हो सकता है आपका ऑनलाइन में हो तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पढ़ाई कंप्लीटली ऑफलाइन में होगा ऐसा सोच के ही कीजिए हाँ सिचुएशन अगर अलग आया तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा ओमिक्रॉन अगर फिर से फैले जो डेल्टा डेल्टाक्रॉन है ओमिक्रॉन बी टू जो है वो अगर बहुत ही तेज़ी से फैले तो सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगा फिर से स्कूल कॉलेज भी बंद हो सकता है अगर बहुत ही तेजी से फैलने लगे पर हाँ उसके लिए हम लोग ना सोच के अभी जो रिसेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर सोचे तो हाँ ऑफलाइन में होने का चांस